हर कोई पतला होना चाहता है एक्चुअली, लेकिन कुछ चीज़ों से डरते हैं। एक चीज़ ये कि जी हम जो प्रोसीजर चूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए ठीक है और इन द लॉन्ग रन कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, एंड दूसरा ये कि हमारे लाइफस्टाइल में वो प्रोसीजर सेट होगा कि नहीं। इनमें से जो दो प्रोसीजर जो मुझसे रिलेटेड हैं, दैट इज़ लाइपोसक्शन एंड टमी टक, एक तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, आमतौर पर इकट्ठे भी किए जाते हैं। लाइपोसक्शन इज टेकिंग आउट अ फैट फ्रॉम द बॉडी बाय स्मॉल कैनुलास, यानी छोटे छोटे सलाखों के जरिए वी टेक इट आउट। एंड टमी टक है जिसमें हम एक छोटा या बड़ा इंसिजन देकर हम एक्स्ट्रा स्किन भी निकाल देते हैं टू गिव अ गुड शेप टू द बॉडी। कुछ लोगों में जिसकी जरूरत होती है वही किया जा सकता है, हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। दोनों का अपना डाउन टाइम है और दोनों का रिकवरी टाइम है। लाइपोसक्शन में रिकवरी डिपेंड करती है कि आपको पेन कितनी हो रही है और आप कितनी पेन बर्दाश्त करते हैं। लाइक एवरीथिंग अदर सर्जरी, इट इज नॉट अ पेनलेस प्रोसीजर विद गुड मेडिकेशन, बहुत अच्छी कंट्रोल होती है लेकिन होती जरूर है। सो आपकी रेगुलर एक्टिविटी और आपकी ट्रैवलिंग डिपेंड करती है कि आप कितना सेंसिटिव और इनसेंसिटिव टू पेन है। तो कुछ लोग सेकेंड डे ही ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपनी रेगुलर एक्टिविटी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2 से 3 दिनों में। टमी टक ऑन द अदर हैंड, क्योंकि एक इंसिजन भी होता है तो आमतौर पर इसमें रिकवरी थोड़ी सी लॉन्गर होती है, आमतौर पर 2 to 4 weeks होती है। ट्रैवलिंग इसमें भी 1 हफ्ते के अंदर की जा सकती है, लेकिन इट्स बेटर टू प्लान योर ट्रैवल 3 weeks to 4 weeks आफ्टर द सर्जरी, ताकि आपका स्कार और हर चीज़ हील हो चुकी हो।